नमस्कार दोस्तों, संदीप त्रिवेदी आज द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 74 लेकर के आप सबके बीच में हाजिर हूं। हमेशा की तरह अपने घर की छत पर हूं, वॉक हो रही है, इवनिंग वॉक। आसपास में धार्मिक माहौल है और हल्की हल्की, बहुत हल्की सी शुरुआती दौर में सर्दी का आगाज भी है। द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 73 जब मैंने रिकॉर्ड किया था तो सोचा नहीं था कुछ भी उसके बारे में कि इतनी सारी प्रतिक्रियाएं मिलेंगी, लेकिन काफी सारी प्रतिक्रियाएं मुझे मिली। पर्सनली अच्छा लगा और कुछ प्रश्नों के उत्तर भी देने का प्रयास किया था। इस बार प्रश्न तो नहीं आए इतने ज्यादा, केवल एक प्रश्न आया है और वो भी मुझे लगता है कि मेरे व्यक्तिगत जीवन से संबंधित ज्यादा है। प्रश्न बेशक व्यक्तिगत जीवन से संबंधित है, लेकिन वो प्रश्न पूछने का कारण रिकॉर्डिंग क्लब है। वो ये कि प्रश्न मुझसे इसलिए पूछा गया कि मैं रिकॉर्डिंग क्लब के सिलसिले में इतना काम करता रहता हूं तो फिर दिक्कत तो आती होगी, इसलिए मुझसे व्यक्तिगत प्रश्न पूछा गया। लेकिन रिकॉर्डिंग क्लब के कॉन्टेक्स्ट में वो प्रश्न पूछा गया है, रिकॉर्डिंग क्लब के संदर्भ में वो प्रश्न पूछा गया है, तो मैं धर्म संकट में था कि इस प्रश्न को लूं अथवा नहीं लूं, इसका आंसर दूं अथवा नहीं दूं। लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा पीछे मुड़ करके देखा तो पता चला कि इस स्टोरी में व्यक्तिगत जीवन की कुछ बातें हुई हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग का काम करते करते जो कुछ घटनाएं मेरे साथ घटित हुई हैं, इस वजह से भी शायद दिलचस्पी हो प्रश्न पूछने की। और मैंने भी ये पाया है कि वो जो ऑडियो थे जो व्यक्तिगत जीवन से संबंधित थे, हालांकि वो रिकॉर्डिंग क्लब की वजह से ऐसी परिस्थितियां बनी थी, मतलब रिकॉर्डिंग का कार्य करते करते ऐसी परिस्थितियां बनी थी, तो उन ऑडियोस को बहुत सुना गया था, द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 15 और पार्ट 16, उसके बाद पार्ट 23 भी बहुत सुना गया था। तो ये वाला जो प्रश्न है, कुछ कुछ पार्ट 23 में जो कुछ बातें हुई थी समाज को लेकर के, विवाह को लेकर के, विवाह के बाद के संबंधों को लेकर के, ये प्रश्न है। पहले प्रश्न सुन लेते हैं, फिर आज की स्टोरी पे चर्चा करेंगे और लास्ट में इन प्रश्नों का उत्तर दूंगा, ताकि जिन साथियों को अगर इस तरह के विषय वस्तु से अगर असुविधा हो तो वो उस समय बंद भी कर सकते हैं। तो प्रश्न सुनते हैं एक बार। प्रश्न अभी जैसे विवाद चल रहा है कि ब्लाइंड ब्लाइंड के साथ ही शादी करके खुश रह पाता है, साइटेड से शादी करने में थोड़ी लाइफ डिफिकल्ट हो जाती है। और मैंने अपने सीनियरों को भी देखा है सर कि ब्लाइंड के साथ, मतलब नॉर्मल के साथ शादी तो कर लेते हैं वो, और उसके बाद देखा है कि अपने जैसे अकाउंट है और कुछ भी है, साइटेड लड़के जो होते हैं वो अपने हैंडओवर में कर लेते हैं। क्या मैम के साथ आपको इस तरह से कभी फील हुआ? और दूसरी बात सर, जैसे आपका एक मैंने मैसेज सुना था रेडियो मधुबन,
उसमें आपने जिक्र किया था मैम, जब आपको स्कूटी से लेके जाती हैं तो लोग देख रहे होते हैं और इस तरह का समाज का मतलब फीलिंग होता है, तो क्या मैम किस नजरिया से देखकर आपको बताती हैं? क्योंकि आप उनके बारे में बहुत कुछ बताया है इसलिए हमने आपसे ये क्वेश्चन किया है। दूसरी बात से अगर आपको उचित लगे तो आप बताइएगा, और ना कोई बात नहीं है। क्या कहना था, मैं तो भूल ही गई। हाँ सर, और क्या कह रही थी मैं, हाँ जैसे कि सर मतलब आपके पास भी 24 घंटा होता है, हमारे पास भी होता है, आप ऑलमोस्ट वक्त रिकॉर्डिंग क्लब को देते हैं और स्कूल में भी देते होंगे, आपके पास भी उतने ही टाइम होता है, स्कूल भी जाना होता है, उसी में खाना भी खाना है, अपने भी काम मैनेज करना है, बच्चों को स्टूडेंट को भी मतलब होमवर्क वगैरह पढ़ाई के संबंध में अपनी तैयारी भी करनी है, हर तरह की बातें होती होगी, तो क्या मैम से को आपसे कोई शिकायत नहीं होती कि मतलब आप तो बिल्कुल भी टाइम नहीं, और आपकी गुड़िया है, आप मुझे लगता है कि गुड़िया को भी इतना वक्त नहीं दे पाते होंगे, तो फिर सर क्या इस तरह से कोई शिकायत नहीं करती मैम, या नॉर्मल होने की वजह से लोग कहते हैं कि नॉर्मल अपनी जिंदगी में ही मस्त रहते हैं, तो क्या इस ऐसी कोई मसला है, या मतलब ब्लाइंड ब्लाइंड में ही खुश रहता है, या ब्लाइंड और साइटेड में खुश रह सकता है, या आपके एक्सपीरियंस क्या है? अगर ये स्टोरी के माध्यम से कुछ हो तो प्लीज आप हमें जरूर ये बात शेयर करिएगा, इसलिए कि कल स्टोरी का दिन है रिकॉर्डिंग क्लब की, तो मैंने सोचा ये मैसेज करके पूछ लिया जाए, शायद अगर बेहतर होगा तो जरूर आप जवाब देंगे। शुक्रिया सर। तो साथियों ये प्रश्न आप सबने सुना, इस पर चर्चा तो करेंगे बाद में। पिछली बार मैंने बताया था कि जब एक नया संगठन शुरू करना होता है, दरअसल ये तो व्हाट्सएप ग्रुप था, पर व्हाट्सएप ग्रुप भी इसलिए था कि तात्कालिक जो परिस्थितियां थी उसमें किसी तरीके से साथियों के बीच में बने रहना था, किसी तरह की नेगेटिविटी ना फैले इस बात का भी ध्यान रखना था, और जो एक इमोशनल अटैचमेंट रिकॉर्डिंग के कार्य के साथ था उसको बरकरार भी रखना था, कार्य पर इसका कोई असर ना हो इस बात का भी ध्यान रखना था। तो मैं यही चर्चा कर रहा था कि ऐसे बहुत सारे तरीके अपनाए मैंने, सोचा उस समय, क्योंकि मेरे पास कोई और कहने को कोई और साधन नहीं था, कोई और सहारा नहीं था, कोई किसी तरह की ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि जो मेरी अनुपस्थिति में कोई और काम संभाल ले, या चलिए यहां से मतलब अपन ने अगर हटे हैं यहां से तो कहीं और जाकर के जुड़ जाएं, इस तरह की भी व्यवस्था नहीं हो सकती थी। सबसे पहला जो काम करना था वो था खुद पे भरोसा। खुद पे भरोसा ये नहीं कि मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं, खुद पे भरोसा सिर्फ इतना कि मैं समय कितना दे सकता हूं, उसका जवाब मैंने दिया ही था। मेरी छुट्टियां थी 40 दिन तक, मुझे कोई कुछ कहने वाला नहीं था, तो इसलिए 40 दिन में बहुत कुछ हो सकता है। 40 दिन में मुझे ये उम्मीद थी कि शायद एक ऐसी व्यवस्था बन जाए, उसके बाद में ग्रुप अपने आप चल पड़ेगा और फिर बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। क्योंकि एक जो काम था कि किया क्या जाए, नया शुरू क्या किया जाए, तो वो न्यूज़पेपर शुरू करने का काम था, वो तो शुरू कर ही दिया। अच्छा, वो रिकॉर्ड करके दिया जाता था तो लोगों को भी ये पता चल गया कि हाँ भाई रिकॉर्डिंग तो हो रही है। फिर जैसे जैसे न्यूज़पेपर शुरू हुआ उसके बाद कोई बुक्स भी मिल गई। साथ ही साथ दोस्तों एक उस समय क्या हुआ कि 20 मई से हमने औपचारिक रूप से इसको शुरू किया रिकॉर्डिंग अजमेर के नाम से, और 22 मई 2016 को राजस्थान में एक क्या कहें जिसको एक विरोध प्रदर्शन या एक धरना शुरू हुआ जो कि दिव्यांग साथियों का था, विकलांग साथियों का था, और उसमें सभी तरह के विकलांग साथी शामिल थे, दृष्टिबाधित भी थे और अन्य विकलांगता के साथी भी उसमें जुड़े हुए थे, और वो राजस्थान की राजधानी जो है जयपुर वहां पर था। अब
इधर उधर से कुछ ग्रुपों से उस धरने के बारे में जानकारियां मेरे पास भी आती थी, व्यक्तिगत तौर पर भी आती थी। और मेरे एक मित्र हैं शरद त्रिपाठी, जो कि रिकॉर्डिंग क्लब में भी हैं, रिकॉर्डिंग क्लब की टीम में भी हैं, और वो भी वो उस समय भी जो है उस धरना प्रदर्शन में भी वो प्रमुख भूमिका में थे, शामिल थे उसमें भी वो। तो उनके माध्यम से भी मुझे काफी कुछ जानकारियां मिल जाती थी और मैं लगातार उनके संपर्क में था। हाँ, वो बात एक अलग है कि वो व्हाट्सएप वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर पाते थे, नहीं उस समय करना जानते थे, लेकिन फोन पर चर्चाएं मेरी हो जाती थी। तो मुझे एक अच्छा अवसर लगा दोस्तों कि ये जो आयोजन हो रहा है इसकी सूचनाएं इस ग्रुप के माध्यम से दी जाएं, तो उससे लोगों के अंदर ये भावना आएगी कि जो कुछ अपडेट हमारे क्षेत्र में हो रहे हैं उससे हमें परिचित करवाया जा रहा है इस समूह के माध्यम से। तो सारी परिस्थितियां तो मैंने बताई थी, मुझे सूचना मिलती थी तो फिर मैंने वहां के अपडेट्स ग्रुप में देना भी शुरू किया। फिर उसके बाद किसी का प्रश्न आता तो उसका उत्तर दिया जाता। और कुछ ग्रुप के साथी भी ऐसे थे जो उस धरना प्रदर्शन को जाकर के देख चुके थे, उसमें उसका हिस्सा बन चुके थे एक दो दिन के लिए। तो ये मुझे एक बड़ा ही अच्छा अवसर उस समय नजर आया कि यार इस माध्यम से जो है हम अपने ग्रुप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसके बाद सिलसिला शुरू हुआ कि जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया था, साथियों से जुड़े रहना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो दिन भर में चाहे एक ही मैसेज आता चाहे दो मैसेज आते, मैं क्या करता था, रात को करीबन 9-10 बजे के आसपास पूरे दिन भर की जो गतिविधियां रहती थी, जितनी बजे अखबार भेजा गया वो, जिसने जो पूछा है वो, उस सबका विस्तार से चर्चा करते हुए जवाब दिया करता था ग्रुप में ही। और फिर उसके बाद में वो ये नहीं सोचता था मैं कि वो मैसेज मतलब कोई सुनेगा नहीं सुनेगा, लेकिन मुझे ये लगता था कि मैं अगर जवाब दे रहा हूं और कम से कम जिसने पूछा था वो तो सुनेगा ही सुनेगा, कोई और सुने ना सुने। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होगा कि जो सुनेगा वो हो सकता है उसके मन में कोई और क्वेरी हो तो वो अपनी बात रखे, या फिर वो यही कह देगा कि चलिए ठीक है, अच्छी बात है, धन्यवाद, जो भी है आपने बात रखी। तो फिर दूसरे के मन में ये विचार आएगा कि यार हम भी बात पूछें, हमारे मन में भी कोई क्वेरी है तो हम रखें। तो ये एक सिलसिला कई दिनों तक चला, मतलब लगभग उन छुट्टियों के दौरान लगभग महीने भर से भी ज्यादा वो ये सिलसिला चला। कभी कभी तो मैसेजेस दोस्तों 24-25 मिनट के हो जाया करते थे, कभी 15 मिनट के, कभी 20 मिनट के। और उन दिनों आपस में कभी कभी कुछ गर्मा गर्मी भी हो जाया करती थी साथियों में, जैसे कोई कहता, कोई किसी ने अगर कुछ पूछा है तो कोई दूसरा व्यक्ति उसका जवाब आकर के देने की कोशिश करता था। फिर वो जिसने प्रश्न पूछा है वो आता था, अरे भाई हमने तो उस व्यक्ति से पूछा है, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं, आप क्यों जवाब दे रहे हैं, उनको जवाब देने दीजिए, हम उनसे सुनना चाहते हैं। तो ऐसी स्थितियां भी कई बार हो जाती थी, ज्यादा दिक्कत नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत गर्मा गर्मी हो जाती थी। फिर चूंकि इन सबके पीछे उद्देश्य वही था कि कैसे भी करके एक एक एक, एक माहौल जो होता है वो बनाना है और ग्रुप को आगे बढ़ाना है, क्योंकि सहारा तो केवल केवल एकमात्र व्हाट्सएप ग्रुप ही था उस समय। आप किसी को लाख फोन करके कहिए कि साहब मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, कोई नहीं समझेगा आपकी बात को। आप जब तक करके नहीं दिखाएंगे तब तक कोई नहीं समझेगा इस बात को। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसी वजह से ये हुआ कि उस समय अपने जो भी उस समय सामग्रियां थी, जो भी सहयोगी थे, उनके सहायता से इस काम को आगे बढ़ाने का प्रयास करता रहा मैं। कोई ऐसी बहुत बड़ी अप्रत्याशित घटना तो उस समय घट नहीं सकती थी, क्योंकि
ग्रुप की शुरुआत थी, मुझे कुछ और मालूम नहीं था, कुछ आता भी नहीं था इससे ज्यादा, और ना मेरे पास कोई ऐसी स्पष्ट योजना थी कि भाई मुझे आगे ये करना है वो करना है, बस सिर्फ और सिर्फ ये था कि भाई अपने इस कार्य को बचाए रखना है। उसके बाद में फिर जो मैंने जिक्र किया जिस आंदोलन का, उस आंदोलन का हिस्सा बनने करीबन 27-28 मई के आसपास मैं खुद भी चला गया और एक दो दिन वहीं रुका। वहां पर रह करके भी फिर मैंने मैसेज किए, तो इससे भी एक तरह से ये हुआ कि यार चलिए ये जो है वहां जाकर के भी लगातार ग्रुप से जुड़ा हुआ है व्यक्ति और काम सारा हो रहा है। और 7-8 दिन मैंने ये सुनिश्चित किया कि मैं अगर कहीं जाता भी हूं तो मेरे पीछे से कम न्यूज़पेपर रिकॉर्ड हो जाए और वो साथियों को मिल जाए। तो जब मैं गया 27-28 तारीख के आसपास, तब तक मैं मुझे इस बात का विश्वास हो चला था कि अब कोई दिक्कत नहीं आ सकती है, न्यूज़पेपर रिकॉर्ड हो रहा है। एक आध बार ऐसा भी हुआ कि रीडर चूंकि शुरू शुरू में समझ नहीं पा रही थी सारे मामले को, तो जो बातचीत होती थी वो भी रिकॉर्ड हो जाया करती थी, तो उसके बाद साथी बताते थे भाई आज का अखबार सुनिए, आज उसमें ये गड़बड़ है वो गड़बड़ है, फिर उसको स्वीकार किया जाता कि हाँ बिल्कुल है। उसके बाद में दोस्तों ये हाँ एक बार ऐसा भी हुआ कि न्यूज़पेपर पता नहीं भेज नहीं पाए या बहुत लेट भेजा, तो उससे पहले किसी का मैसेज आ गया 3-4 बजे के आसपास कि भाई आज न्यूज़पेपर नहीं मिला, तो वहां पर एक अच्छा मौका मिल गया। फिर एक चर्चा चला दी मैंने कि अच्छा साथियों ये बताइए, देखिए अभी हमारे पास इस तरह की कोई व्यवस्थाएं नहीं है, तो क्या न्यूज़पेपर हम सुबह ही दें तो ही, मतलब सुबह रिकॉर्ड कर पाए सुबह सुबह तो ही ग्रुप में भेजें, एक समय सीमा हो, उस समय से मान लीजिए 12 बजे सुबह के दिन के 12 बजे निर्धारित कर दिए जाए या 11 बजे निर्धारित कर दिया जाए कि तब तक ही हम समाचार पत्र भेजे रिकॉर्ड करके, उसके बाद अगर रिकॉर्ड हो भी जाता या रिकॉर्ड करने की परिस्थिति में भी हम होते हैं तो भी हम ग्रुप में भेजें या ना भेजें। तो ये एक बड़ा अच्छा अवसर रहा। उसके बाद साथियों ने अपने अपने तरीके से मैसेज किए, किसी ने कहा हाँ समाचार पत्र तो जो है जरूरी होता है, सुबह सुबह अच्छा लगता है, कोशिश करिए कि जितना जल्दी इसको दे पाए। फिर किसी ने कहा कि इतनी बजे तक दे दीजिए, और कुछ लोगों ने यह भी कहा कि देखिए हमारे पास जो कि जो वो ज्यादा महत्वपूर्ण था मेरे लिए आगे बढ़ने के लिए, मैं इसलिए इस बात पर ज्यादा जोर दे रहा हूं कि भाई हमारे पास तो कोई और साधन है नहीं न्यूज़पेपर पढ़ने का, और कम से कम इस ग्रुप के माध्यम से हमें न्यूज़पेपर मिल रहा है, तो फिर ऐसी परिस्थिति में हम जो है हमें कभी भी मिलता है तो फिर हम न्यूज़पेपर जरूर सुनते हैं क्योंकि हमारे पास सुनने का यही माध्यम है। तो ये बात सुनकर के बड़ा मोटिवेशन मिला। फिर मैंने कोशिश यही करता था कि जितना जल्दी हो सके उपलब्ध करवा पाए, लेकिन एक रूटीन बना हुआ था लगभग 10-11 बजे का सुबह सुबह, तब तक हम न्यूज़पेपर दे ही देते थे क्योंकि उस समय मेरी छुट्टियां होती थी। तो साहब ऐसे करते करते ये सिलसिला उन दिनों चलता रहा। इसके अलावा ऐसी कोई खास बात या कोई खास ऐसी घटना उन दिनों की मुझे याद नहीं आती है, लेकिन वो एक जो समय था वो बड़ा महत्वपूर्ण समय था वो इस रिकॉर्डिंग क्लब को आगे बढ़ाने के लिए। चुनौती दोस्तों दो तरह की थी, ग्रुप पर भी थी और जो स्थायी रूप से रिकॉर्डिंग का कार्य है, न्यूज़पेपर तो आप दे देंगे वो तो 20-25 मिनट रिकॉर्ड हो गया, लेकिन जो भाई आप बुक्स रिकॉर्ड करवा रहे थे दिन में 6-6 घंटे 8-8 घंटे रिकॉर्डिंग हो रही थी, उसका क्या होगा, तो जोर इस बात पर देना था। तो इस परिस्थिति से बचने के लिए भी एक तरीका निकाला गया और
पीछे मुड़ करके देखा, सोचा कि भाई अभी तक हम क्या कर रहे थे और किस बात में ज्यादा सहयोग मिला साथियों का, किस बात से ज्यादा सफलता मिली, उसी पर पहुंचे फिर हम लोग वापस, यानी उसी कार्य पर, उसी योजना पर। वही योजना बनाई गई जून महीने में आते आते, और उस योजना के बाद जो दूसरी समस्या थी कि रिकॉर्डिंग क्या करें, लोग तो हमें कुछ भेज नहीं रहे हैं, ज्यादा नहीं भेज रहे हैं, तो फिर उसके बाद वो राह भी आसान हो गई। लेकिन वो कैसे हुआ, क्या किया, ये आज चर्चा नहीं करेंगे। इस बीच में एक स्कीम भी लगाई गई कि यार ऐसा हो तो फिर शायद आर्थिक रूप से भी हम लोग सशक्त हो जाएंगे और रीडर को पैसा भी दे पाएंगे और रिकॉर्डिंग भी लगातार चलती रहेगी। लेकिन उसमें फिर एक विवाद भी हुआ, और वो विवाद 2016 में भी हुआ, और उसका अंतिम अध्याय 2018 में लिखा गया। क्या था वो सब जो कि बड़ा महत्वपूर्ण था, लेकिन ये सब आज नहीं, आज चर्चा करते हैं प्रश्न की। पहला प्रश्न था कि हम सवाल ये आता है बार बार कि भाई व्यक्ति ब्लाइंड के साथ खुश रह सकता है या साइटेड के साथ खुश रह सकता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। इस बात पर मैंने अपनी राय बहुत विस्तार से इसी द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब में एक बार रखी थी, क्योंकि मेरे जीवन में ये सब बातें हो चुकी हैं। सवाल ये है कि खुश रहने का पैमाना क्या है। खुश रहने का पैमाना यह है कि आपका जीवन साथी आपके सामने कोई प्रश्न ना करे, आपका जीवन साथी जैसा आप चाहते हैं वैसा ही वो करे, आपका जीवन साथी आपकी हर इच्छा को आदेश मान करके स्वीकार करता रहे, या फिर पैमाना यह है खुश रहने का कि समाज और परिवार में कहीं ना कहीं हम सर उठा करके चल पाए। इन सब इन चार पांच प्रश्नों का उत्तर अगर आपके पास है तो फिर मुझे लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर भी आपके पास है, अन्यथा ये प्रश्न बना ही रहेगा। देखिए, मेरा हमेशा से ये मानना है कि जीवन साथी चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, यानी लड़के के लिए लड़की और लड़की के लिए लड़का, वो हो जो आपसे प्रभावित हो, जो जीवन का इतना बड़ा निर्णय आपको देख करके, आपको जान करके, आपको समझ करके ले, फिर चाहे वो ब्लाइंड का के बीच में हो चाहे वो ब्लाइंड और साइटेड के बीच में हो। मैं अपने आप को इस मामले में लकी समझता हूं कि मेरे केस में ये हुआ कि जो मुझे देखने के बाद, मुझे जानने के बाद, मुझे समझने के बाद, मेरा अध्ययन करने के बाद, मेरी जो वाइफ है उन्होंने आगे होकर के मुझे विवाह के लिए आग्रह किया या विवाह का प्रस्ताव मेरे सामने रखा। वो बात एक अलग है कि इस सब कार्रवाई को करने से पहले और मुझे मिलने से पहले उन्हें मेरे बारे में बता दिया गया था, वो एक अलग बात है। लेकिन उन्होंने 15 दिन करीब मुझे मॉनिटर किया, वॉच आउट किया, समझा, उसके बाद
हालांकि मैं आज इस बात को भी कहता हूं, स्वीकार करता हूं कि उन्हें और अच्छे से देखना चाहिए था, देखना इन द सेंस कि जो समस्याएं आती हैं जीवन में उन समस्याओं पर भी गौर करना चाहिए था। क्योंकि इसमें दूसरा प्रश्न जुड़ा हुआ है कि हमारी आपस में लड़ाई होती है या नहीं होती है, क्योंकि जब आप एक दूसरे की समस्याओं को नहीं समझते हैं तो फिर निश्चित रूप से लड़ाई का कारण तो वो बनती है। और देखिए उस समय मुझे भी बड़ा सब कुछ अच्छा ही अच्छा लग रहा था और मैंने स्वयं ने भी इस बारे में गंभीरता से नहीं सोचा कि आगे चल करके होगा क्या। मुझे लगा कि यार ठीक है, ऊपर वाला अपने साथ है और सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है, आगे से कोई मिल रहा है, अपने साथ जुड़ रहा है, तो फिर क्या दिक्कत है, ठीक है, तकलीफें कहाँ नहीं आती, देखा जाएगा जो होगा वो। लेकिन मैं ये मानता हूं कहीं ना कहीं कि मैं गलत था। गलत इसलिए नहीं कि मैंने विवाह का निर्णय ले लिया, गलत इसलिए कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें स्पष्ट रूप से कर लेनी चाहिए, खासकर विवाह जैसे मामले में, और वो भी जब प्रेम विवाह अगर हो रहा हो तो। आज मेरे सामने परिस्थितियां ये हैं कि शायद अगर मेरे साथ ब्लाइंड मतलब किसी व्यक्ति से मैं विवाह करता तो भी मुझे इतनी दिक्कतें नहीं आती, मैं ये मानता हूं। लेकिन आज कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब हमारी लड़ाई नहीं होती है। लड़ाई का कारण कुछ भी हो सकता है, लड़ाई में 70% कारण जो है वो रिकॉर्डिंग क्लब का रहता है। ये बिल्कुल मतलब ये मान के चलिए आप। लेकिन फिर भी अब इसका दूसरा पहलू है कि लड़ाई होती है तो हम अलग तो नहीं हो गए, लड़ाई होती है तो मैंने रिकॉर्डिंग क्लब का काम करना बंद तो नहीं कर दिया, मैं उतना ही कर रहा हूं बल्कि उससे ज्यादा ही कर रहा हूं जितना पहले कर रहा था। और परिस्थितियां 2011 से 2016 तक अलग थी, 2016 से अब तक अलग हैं, क्योंकि 2011 से 2016 तक, क्योंकि 2011 मेरी शादी हुई थी, 2011 से 2016 तक इतनी लड़ाई नहीं होती थी क्योंकि उस समय इतना काम भी नहीं था। लेकिन जब से ये ग्रुप बनाया और अब रिकॉर्डिंग अजमेर से रिकॉर्डिंग क्लब तक पहुंचे हैं तो काम कई गुना बढ़ गया है। हालांकि आज साथ देने वाले लोग भी बहुत ज्यादा हो गए हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है, पर यह भी जरूरी होता है संतुष्टि के लिए, समझाने के लिए कि आपके साथ अधिक से अधिक साथी जुड़े रहे। तो लड़ाई ये भी नहीं कि मैं रिकॉर्डिंग क्लब का काम करता हूं, लड़ाई सिर्फ वो है जो एक प्रश्न भी है कि मैं समय कैसे दे पाता हूं। समय इतना जो देता हूं उस समय की वजह से लड़ाई होती है। लेकिन मैं समझ नहीं पाता हूं कि मैं किस प्रकार अपने समय में कमी लाऊं। अब मुझे सुबह अगर न्यूज़पेपर भेजना है तो वो भेजना ही है, लेकिन अब उसका मैं तरीका ये अपनाता हूं कि जब वो दैनिक कार्य जब मैं कर रहा होता हूं तो जाहिर सी बात है उस समय मैं अगर ये काम करता हूं न्यूज़पेपर वगैरह भेजने का तो मुझे कोई कुछ कह नहीं सकता है, क्योंकि मैं तो जो जरूरी काम है वो तो कर ही रहा हूं ना, उस बीच में तो वही काम कर सकता हूं। तो लेकिन शायद मेरी तरह हर कोई इतना भाग्यशाली ना हो कि भाई उसके साथ ये सब परिस्थितियां हो, लेकिन ये कोई बात नहीं है कि जो है जो एक अकाउंट वाली बात कही प्रश्न में कि भाई वो अकाउंट यूज करते हैं ये करते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है मेरे साथ किसी तरह का, किसी भी स्तर पर कोई मिसयूज हुआ हो ऐसा कहीं मुझे आज तक नहीं लगा। बल्कि मेरे केस में तो ये होता है कि कई बार कि अगर कभी गड़बड़ी करनी हो तो वो मैं ही करूंगा, वो गड़बड़ी इस तरह की कभी नहीं कर सकते।
तो वो ये सब जीवन के खट्टे मीठे अनुभव हैं, चलते रहते हैं। लेकिन लड़ाई होती है, बहुत होती है। और हाँ, इस स्टोरी में भी मैं कभी संभव हुआ तो चर्चाएं करूंगा जब जब भी अवसर आएगा, कि भाई साहब दो बार तो ऐसी परिस्थिति आ गई और वो दो सफल आयोजनों के बाद कि हमारे अलग होने तक की नौबत आ गई, यानी हमारे तलाक तक की नौबत आ गई। लेकिन फिर भी आज रिश्ता कायम है, हम लोग साथ हैं। क्योंकि शायद जब ऐसी परिस्थितियां होती हैं तो दो में से एक को तो झुकना ही पड़ता है, दो में से एक को एडजस्ट करना पड़ता है। अगर साल के 2 महीने अपन एडजस्ट करें और कोई 10 महीने कोई और एडजस्ट कर रहा है, तो मुझे लगता है कि 2 महीने पे 10 महीने भारी पड़ते हैं। इसलिए कभी कभी कहते हैं ना, वो दाग अच्छे हैं, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, दाग अच्छे हैं। तो मतलब मैं बहुत शब्दों का चयन भी सोच समझ करके कर रहा हूं, आप लोगों को भी ऐसा लग रहा होगा कि जो कुछ कहना है वो मेरे कहने से ज्यादा समझ में आ जाए तो अच्छा है। एक प्रश्न था कि समय, समय निश्चित रूप से मैं बच्ची को नहीं दे पाता हूं, मेरी बिटिया को। अगेन वही बात कि मुझे देना चाहिए, बहुत लोग, सब लोग मुझे समझाते रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं एक, जो कुछ ईश्वर ने मुझे अच्छाइयां दी हैं, जो कुछ ईश्वर ने मेरे साथ पॉजिटिविटी दी है, उसको लेकर के जीने में विश्वास करता हूं। और मेरे पास जो कुछ है वो मैं दूसरों को देने में विश्वास करता हूं। तो मैं सोचता हूं कि जितना हो सके उतना मैं अपने साथियों के काम आऊं किसी भी रूप में। और अभी मैंने अपने जीवन को लेकर के बहुत महत्वाकांक्षाएं पाली थी, दोस्तों मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं वो ये बन जाऊंगा वो, लेकिन हुआ ठीक उसका उल्टा हर जगह। तो इसलिए अपने बच्चे को लेकर के मेरे दिमाग में कोई महत्वाकांक्षा नहीं है किसी तरह की। उसको जो करना है, जैसा बनना है वो बने। हाँ, मैं एक काम जरूर करता हूं, उसको वॉच आउट करता हूं, उसको मॉनिटर करता हूं, देख रहा हूं कि कहाँ कमी है कहाँ नहीं है। और उसको कुछ नहीं कहता हूं, जो कुछ कहता हूं वो उसकी मम्मी को कह देता हूं, फिर वो बात हो या नहीं हो। और उसकी मदर को यही शिकायत है, यानी मेरी वाइफ को, कि मैं अपने बच्चे को भी टाइम नहीं देता हूं। जल्द ही इस समस्या का समाधान निकलेगा, लेकिन कभी कभी ऐसे उतार चढ़ाव आ जाते हैं जीवन में, तो कहीं का कुछ हो जाता है। जैसे आप उम्मीद करते हैं कि आपके साथ लोग हैं, आपका एक संगठन है, लेकिन फिर अचानक एक दिन ऐसा आता है जब सब आपको छोड़ करके एक एक करके पतली गली से निकल लेते हैं, तो फिर आप वहीं पहुंच जाते हैं जहां से आपने शुरुआत की थी। और मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है इन दिनों खासकर। लेकिन वही बात आती है कि जब कुछ लोग छोड़ करके जाते हैं तो कुछ साथ भी आते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो उन छोड़ के जाने वालों में से भी साथ बने रहने के लिए तैयार रहते हैं। तो इन दिनों समय मैं इसीलिए ज्यादा मुझे देना पड़ रहा है कि ऐसी ही कुछ परिस्थितियां हैं और मुझे इस परिस्थिति से लड़ना है, आगे बढ़ना है, और रिकॉर्डिंग क्लब के माध्यम से अपने साथियों को जितना हो सके उतनी मदद पहुंचानी है। एक प्रश्न ये था कि जब जाते हैं स्कूटी वगैरह पे तो वो किस नजर से, वही नजर कि जाहिर सी बात है एक अटपटा तो लगता है दोस्तों, उनको भी ये लगता है कि सब लोग देख रहे हैं, समाज का रवैया ऐसा। अभी मैं एक उदाहरण देता हूं आपको छोटा सा। मेरी वाइफ जो है पठानकोट गई थी अभी पिछले दिनों अपनी बड़ी सिस्टर के पास, और पठानकोट वो शहर है जहां उनका बचपन बीता है, जहां उन्होंने कॉलेज किया है।
यानी अपने जीवन के बहुत सारे साल, लगभग 20 साल उन्होंने वहां बिताए हैं। तो जाहिर सी बात है, फ्रेंड्स भी सब वहीं हैं। एक दिन वो मार्केट में थी, अचानक उनकी एक फ्रेंड ने उनको देखा, जो कि 15 साल बाद उसने उनको देखा था। 2005-4 में अंतिम बार मिले थे, अब उन्होंने देखा। उसके बाद में वही वापस सिलसिला बातों का शुरू हुआ, वही दोस्ती, फिर नंबर जो इधर उधर हो गए थे वो नंबर, सब बातचीत चलते चलते यहां तक पहुंची कि भाई तुमने क्या किया, तुम्हारी शादी कहाँ हुई। जब सुना तो वही कि हमें विश्वास नहीं हो रहा, यही सब। ये समाज की सोच है ऐसी, इसका आप और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आज दिन तक, इस घटना को 15 दिन हो गए हैं, लेकिन आज दिन तक वही कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे हुआ, तुमने ये कैसे किया, तुमने वो कैसे किया, ये निर्णय क्यों लिया, तुम्हें कोई समझाने वाला नहीं था, तुम्हें कोई मना करने वाला नहीं था कि तुम ये ऐसा काम मत करो, हम होते तो तुम्हें नहीं करने देते। वो कहती है मैं अपने निर्णय से खुश हूं, मुझे अपने निर्णय पर गर्व है, मेरी वाइफ ये कहती है। तो इसलिए अब समाज का आप कुछ नहीं कर सकते हैं। परिवार में हैं लोग ऐसे बहुत सारे हैं जिनका नजरिया ये होता है। मैंने सारी चर्चाएं खुल करके इस द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब में की है पहले भी। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं, मैं कितनी घटनाओं का जिक्र करूं, मतलब बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं। एक सहेली दूसरी मिली, उसने कहा यू आर ग्रेट, यू आर यूनिक, ये वो, न जाने क्या क्या, मतलब जैसे कोई हमारे पर एहसान कर दिया हो। भाई एहसान तो तब होता है ना जब हम उनसे रिक्वेस्ट करते, हम गुजारिश करते कि भाई हमारे जीवन साथी बन जाइए, हमसे शादी कर लीजिए। ये तो खुद ही हमको देख करके जब आगे होकर के निर्णय ले रहे हैं, तो फिर ये क्या बात हुई। तो इसलिए मैं फिर वहीं आता हूं उसी बात पर कि हमें अपने आप को इस परिस्थिति में रखना चाहिए, चाहे कोई भी हो, लड़का हो या लड़की हो, कि आप से कोई प्रभावित हो, आप अपने आप को इतना काबिल बना दीजिए, आपको जरूरत ना पड़े किसी के पीछे भागने की, किसी के बारे में सोचने की। आज समय खराब करने के लिए इतने सारे चीजें हैं हमारे पास, लेकिन हमें जो एक एजुकेशन का जो साथ है वो कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ये मेरा मानना है और इसी बात पर मैं कायम हूं। कोई जमाना अलग था, वो परिस्थितियां कोई और थी। अपन दूसरों की क्या बात करें दोस्तों, आपने देखा नहीं काबिल मूवी में भी जो कुछ दिखाया, यानी बॉलीवुड और ये बड़े बड़े लोगों की भी सोच वहीं तक सीमित है आज के दौर में। बॉलीवुड में तो जितनी भी फिल्में बनी है उन सबसे मुझे तो शिकायत है। तो समय बहुत ले लिया दोस्तों आज, सॉरी, ना अच्छी लगे तो मत सुनिएगा, लेकिन सुनेंगे नहीं तो अच्छी बुरी कल पता खस चलेगा। खैर, डिसलाइक कर सकते हैं बुरी लगे तो। चलिए दोस्तों, कुछ रह गया हो तो माफ करिएगा, कुछ ज्यादा कह दिया हो तो भी माफ करिएगा, और कोई मन में प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा, और यूं ही अपना साथ बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।